आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम को एजेंट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसका ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है जाइमोस, इसका अर्थ है फर्मेंटेशन यानी किण्वन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें या इसके गुणों लक्षणों को देखें तो ये क्या करता है, ये क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा है इन्हें बायोकैटालिसिस या जीव उत्प्रेरक कहा जाता है। ये केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनकी गति को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात होती है। एंजाइम्स ऑर्गेनिक उत्प्रेरक या इंड्यूसर्स होते हैं जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज तो कर देते हैं लेकिन स्वयं रिएक्शन के एंड के अंदर स्वयं अप्रभावित या अनइफेक्टेड रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स को राइबो एंजाइम्स कहा जाता है। एंजाइम्स में जो प्रोटीन की तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। एंजाइम की जो प्रोटीन होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, साइट्स के रूप में प्रेजेंट होती है जहाँ पर इसको सबस्ट्रेट या क्रियाधार आकर जुड़ जाते हैं, उन साइट्स को एक्टिव साइट्स कहा जाता है। एंजाइम्स लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर डैमेज हो जाते हैं, लेकिन जैसे एंजाइम्स सबस्ट्रेट की एक्टिविटी साइट्स पर जुड़ कर ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे संक्रमण अवस्था संरचना कहते हैं। जैसे एंजाइम्स कोई भी होगा वो सबस्ट्रेट के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंजाइम्स जो है वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है और एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट दोनों सेपरेट फॉर्म में आ जाते हैं। एंजाइम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमने अभी पढ़ी, जिसमें इसमें प्रोटीन जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसके अंदर एंजाइम में प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन के बने होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लगभग 35,000 से, इसका एग्जांपल है जैसे पेप्सिन, से लगभग 483,000 तक, जो कि एंजाइम है यूरियाज के अंदर मॉलिक्यूलर वेट, यूरियाज एंजाइम्स के अंदर मॉलिक्यूलर वेट इतना पाया जाता है। इसके अलावा ये कोलाइडल नेचर के होते हैं। इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस के लिए जो सरफेस एरियाज को ये इंक्रीज करते हैं। ये हीट सेंसिटिव होते हैं और थर्मो स्टेबल्स होते हैं, थर्मोलेबल्ड होते हैं, और लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो इनके एक्टिवेशन के लिए अच्छा होता है, और 55 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये डीनेचर्ड हो जाते हैं, यानी ये अपने स्वरूप की अपनी प्रकृति को खो देते हैं। संदमक यानी इनहिबिशन की जो प्रक्रिया या निरोधन की प्रक्रिया, हम वे कारक जो फैक्टर जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं, उन एंजाइम्स को, इन फैक्टर्स को हम यहाँ पर निरोधक या इनहिबिटर्स कहा जाता है। एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा में जो एंटी इनहिबिटर्स होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा को इंक्रीज करने का काम करते हैं। किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिव प्रोडक्ट को बनाने की जो दर होती है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो एंजाइम्स की पोजीशन के अंदर बहुत कम ऊर्जा के अंदर ही एंजाइम अगर उपस्थित होते हैं रिएक्शन के अंदर तो बहुत जल्दी मात्रा में ही ये प्रोडक्ट का निर्माण कर देते हैं, बहुत कम एनर्जी इसमें लगती है। जो पीएच जो होती है वो ये एक निश्चित पीएच पर एक्टिव होते हैं, जैसे ये डायस्टेज पर न्यूट्रल हो जाते हैं, एसिडिक मीडियम पर ये जैसे सुक्रेज है, और बेसिक मीडियम जैसे ट्रिप्सिन है जैसे प्रेजेंट होते हैं।
पीएच पर, अलग अलग पीएच पर ये वर्क करते हैं। एफिशिएंसी देखें तो इसके अंदर पाई जाने वाली जो एफिशिएंसी एंजाइम्स से रिएक्शन रेट के अंदर, ये लगभग जो रिएक्शन रेट होती है उसको 8 से 10 गुना जो होती है उसको 10 से 20 गुना तक बढ़ा देते हैं रेट को। ये अनचार्ज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा इनमें रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। एंजाइम्स जो प्रक्रियाएं जो होती है, रिएक्शंस जो होती है, वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है जिसमें प्रोडक्ट जो होता है वो वापस जो प्रोडक्ट्स जो है वो उत्पाद के अंदर क्रियाधार के अंदर बदल जाता है, सब्सट्रेट में बदल जाता है। जैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन रहा है और फैट का निर्माण करते हैं लाइपेज की उपस्थिति में, ऐसे ही अगर फैट पर लाइपेज एंजाइम्स वर्क करेगा तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है कि एंजाइम किसके अंदर स्पेशलिटी पाई जाती है कि एक एंजाइम अगर एक ही रिएक्टेंट्स पर काम कर रहा है तो ऐसे प्रेरक को हम लो स्पेशलिटी, उसके अंदर कम स्पेशलिटी पाई जाने वाले एंजाइम्स कहते हैं। दूसरी है कि ग्रुप स्पेशलिटी पाई जाने वाले एंजाइम्स जो होते हैं उसमें एक एंजाइम्स एक से अधिक सब्सट्रेट पर काम करता है और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करने का काम यहाँ पर ये करता है। इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर जो पीएच जो होती है वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनक्रीज़ करती है, उसको प्रभावित करती है। टेम्परेचर है वो भी इसकी इनक्रीज़ को प्रभावित करता है। जैसा कि हमने बताया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लगभग मोस्टली पूरी तरह एक्टिव हो जाते हैं और 50 से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वापस डीनेचर हो जाते हैं। पीएच में भी हमने न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक पीएच पर इसकी पोजीशन को देखा। उसी तरह यहाँ पर जो एंजाइम्स की जो सब्सट्रेट रेट है उसकी इंक्रीज़ को भी इस आरेख के अंदर समझाया गया है, ग्राफ के अंदर बताया गया है कि जैसे एंजाइम अगर युक्त है तो सक्रियण ऊर्जा बहुत कम होती है और एंजाइम रहित अगर रिएक्शन है तो उसके अंदर जो सक्रियण ऊर्जा है वो बहुत अधिक मात्रा में लगती है। इस प्रकार यह जो एंजाइम से रिलेटेड है टॉपिक में बेसिक स्ट्रक्चर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस टॉपिक के अंदर हमने एंजाइम से रिलेटेड पढ़े हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर जो डिस्कवरी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।